Oh my god. Wee. Okay. Wee. Hello, Papa. एक बिजनेस आइडिया आया है। रहा नहीं जाता। हाँ, पैसा कम कमाऊंगा, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, लेकिन खुशियाँ बहुत बड़ी होंगी। कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना, खाओगे और हगोगे। हेलो वीरेंद्र, की हाल चाल? हमें चाहिए जो मिल नहीं रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे जॉब्स जिसे देखने के बाद तुम्हारे मुंह तक निकल पड़ेगी। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। लेकिन अगर तुम अपने अब्बा के पास परमिशन के लिए जाओगे, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब्बा मैं खुश रहूंगा, तो उनके मुँह से निकल पड़ेगी। अरे तो उसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या करूँ इसमें? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, पति लंदन में रहते हैं, मैं और मेरा 6 साल का बेटा अकेले रहते हैं, रात को डर लगता है, वेतन 25,000 दूंगी, रहना खाना सब कुछ दूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, देश में अकेलापन बहुत बढ़ चुका है, और अब तुम्हें इस चौकीदारी में भी रिश्तेदारी की होप नजर आ रही होगी। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया। नहीं नहीं नहीं, कुड़ियों के नशे में वो नशा कहाँ है यार आजकल, जो कच्छों के नशे में है। 3.1, 3.2, 3.3 बताओ, नेशनल क्रश होकर भी कच्छे पे क्रश आ जाना कितने दुख की बात है। मतलब साला, जब तक ये वाला कच्छा नहीं पहनेंगे तब तक योगा नहीं सिखाओगी क्या? इनकी इस हरकत को देखकर ना मुझे एक शायरी याद आ रही है। मैंने उसे उसको इतना देखा, इतना देखा जितना देखा जा सकता था। नहीं, ये वाली नहीं, दूसरी वाली है। हमारी सूरत को देखो कच्चे में क्या रखा है। हमारी सूरत को देखो कच्चे में क्या रखा है, वैसे सब कुछ कच्चे में ही तो रखा है। वैसे यार, जॉब तो हम सभी करते हैं लेकिन खर्चे फिर भी पूरे नहीं हो पाते, इसीलिए एडिशनल खर्चों के लिए मैं यूज करता हूँ बिनोमो ऐप, क्योंकि बिनोमो एक ऑनेस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसका यूज करके तुम अपने एडिशनल खर्चे निकाल सकते हो, और इसको यूज करना बहुत सिंपल है। तो ये मैंने बिनोमो ऐप ओपन कर ली है, यहाँ से तुम एसेट सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें किस चीज में ट्रेड करनी है। तो जैसे भी मैं कर रहा हूँ क्रिप्टो में, और ये है डिपॉजिट का ऑप्शन जहाँ से तुम इसमें अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके तुम यहाँ पे अपना अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो तुम्हें कितने रुपए की ट्रेड करनी है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ 3500 की, तो इसमें तुम्हें बस ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैं अप पे क्लिक करता हूँ, और बस थोड़ी सी देर में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो तुम देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 6475 रुपीस का प्रॉफिट हो गया है, और तुम अब इसको इजीली अपने बैलेंस के ऑप्शन में जाके विड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पर तुम्हें 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, तो अगर किसी भी टाइप की तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो तुम यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हो। और अगर बिनोमो को तुम मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करते हो तो तुम्हें तुम्हारे डेमो अकाउंट में $1,000 मिलेंगे, इसका यूज करके तुम ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। तो है ना बढ़िया है, पहले सीखो और फिर कमाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डाउनलोड कर लेना। नहीं, हमने हमेशा सुना था कि बिचौलिए लड़ाई में हमेशा ही मजे लेते हैं, और आज प्रैक्टिकली देख भी लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन रशिया के बीच में हम आपको आगे आना पड़ेगा, हम आपके आगे आने के बाद ही हमें भी रशियन से मिल पाएंगी, बिल्कुल भैया की तरह। क्या हो रहा है, अरे भगवान, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? साला, हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि भैया ने एडिट कर रखा, क्योंकि ये जीव इस मादा के पास कई बार नजर आया है। आए, 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 मजे। बताओ, हम तो साला टूरिस्ट गाइड को जॉब ही नहीं मानते थे, और आज पता चला सबसे ज्यादा स्कोप तो इसी में ही है। साला चलता है मुझसे मजनू। अब देखो, किसी की अम्मी जान ने कहा था, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो अगर तुम्हें 50,000 रुपए दिए जाएं और ये बोला जाए तुम्हें कचरा वाला बनना है, तो क्या तुम बनना पसंद करोगे? अब्बा नहीं मानेंगे। नहीं 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 बेटा, पूरी स्कीम सुन लो, हो सकता है तुम्हें इंसेंटिव्स के रूप में कभी कभार कुछ और भी मिल जाए। ये रहा आपका 15 दिन का ऑफिस स्टोर और कल रात की प्रेजेंटेशन। मैडम कचरा, मैम साहब कचरा। अब तू देख मैं तेरी जिंदगी कैसे कचरा बना दूं। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज
मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। भाई स्कोप इसमें भी दिख रहा है मुझे, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। चाचा बस इतना बता दो, कौन सी गली में जाके कचरा उठा रहे हो तुम, जहाँ पे कचरे के नाम पे कपड़े दिए जा रहे हैं। मतलब बिजनेस आइडिया बुरा नहीं है, और वैसे भी इंसान छोटे कामों से ही तो बड़ा होता है, या फिर इंसान का बड़ा होता। शुक्र यानी कि वीनस से हमारी लग्जरी, हमारी वेल्थ, हमारी ब्यूटी, हमारी लव लाइफ, हम कितने अट्रैक्टिव है, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो वीनस एक फेमिनिन प्लैनेट है, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इजी टिप बता रही हूँ। आपके लाइफ में जो औरतें हैं ना, उनके साथ आप रिलेशंस अच्छे बना के रखें, इससे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। अरे क्यूटी तुम बिना छोड़ो, यहाँ पे सारे ग्रह स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आज से पहले कभी नहीं आई हमें। इससे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हम सभी लोगों के घर पे शीशा तो होता ही है। नहीं 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 देखो, ज्यादा दिल गार्डन गार्डन नहीं करेंगे, वरना फिर वीकनेस भी आ सकती है। हम सभी लोगों के घर पे शीशा तो होता ही है, और कई लोगों को अपने घर में हर जगह मिरर लगाने का बड़ा शौक होता है, पर कभी भी मिरर को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मत लगाइए। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। अब देखो काम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन ईमानदारी से काम हर कोई नहीं कर पाता है। अब अपने स्ट्रीट फूड वालों को ही ले लो, जब वो तुम्हारे 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं रख सकते तो वो तुम्हारी किसमिस कैसे रखेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो। नहीं आया समझ में, अभी समझाता है मैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर सुन लो। जो भी बिरयानी लवर है ना भाई, ये वीडियो छोड़ दो यार, क्योंकि आगे की वीडियो देखने के बाद तुम्हें बहुत बुरा लगने वाला है। ऐसे तो नहीं होता है। नहीं मानोगे, ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। बिरयानी ही बिरयानी 1 किलो 60 रुपए की, नोट हमारे यहाँ खतने भी किए जाते हैं। चचा ये क्या कर गए यार तुम ये। नहीं मतलब हमने चिकन बिरयानी सुना था, हमने कौवा बिरयानी सुना था, लेकिन नुन्नी बिरयानी। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। और चलो तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे आसपास के जो बिरयानी लवर थे वो तो बेचारे जिंदगी भर कंफ्यूजन में जिएंगे कि उन्होंने अपनी किसमिस खाई थी या पड़ोस वाले की खा गए। You like BTS? Yes, I like BTS. Sure, I will marry all 7 of them. अरे तेरी औकात क्या? तू BTS को कैसे convince कर? तुझे पता है पूरे दुनिया में उनकी आर्मी, हम मिलके तुझे टॉप से उड़ा दे। नहीं इतनी देर में तो हमारा मुंह नहीं निकलता जितनी देर में इन बीटीएस आर्मी वालों की तोपें निकल जाती है। पूरे दुनिया में उनकी आर्मी, हम मिलके तुझे तोप से उड़ा देंगे। वैसे तुम्हें पता है बीटीएस आर्मी आर्मी वालों की वो जॉब है ना, जहाँ पे भर्ती होने के लिए ना तुम्हें किसी प्रकार के एंट्रेंस की आवश्यकता होती है, ना किसी प्रकार के फिजिकल की आवश्यकता होती है। तुम्हें बस 2 कंडीशन फॉलो करनी होती है। पहली, तुम कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की विद्यार्थी होनी चाहिए, और दूसरी, तुम्हारे इंस्टा यूजर नेम में BTS गर्ल होना अनिवार्य है। BTS गर्ल नहीं, मम्मी कोरिया गई थी या वो इधर आई। साला कभी अपने बाप का नाम भी लिखो यार इंस्टा यूजर नेम में, जैसे मादर चांद प्यारे गर्ल। नहीं जरा सोचो, अगर मादर चांद प्यारे जी को ये पता चला कि उनकी बिटिया रानी सातों BTS से शादी करने को तैयार है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। Yes, I like BTS. ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने रोज पता नहीं क्या कमाने जाता हूँ। और वो सब छोड़ो, अगर मादर चांद प्यारे जी की बीवी को ये पता चलेगा तो वो तो तुमसे हेट करने लगेगी। अब तुम लोग सोच रहे होगे बेस्ट जॉब वालों की बात चल रही थी, लेकिन सरकारी नौकरी वालों का नंबर कैसे नहीं आया।
अब आएगा। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो। अरे चचा, क्या बात, हो नहीं पा रहा या तुम कर नहीं पा रहे हो? मतलब साला कमरे में कोई नहीं है फिर भी इन्हें बस शरारत ही करनी है। तुम्हें पता है सरकारी नौकरी वालों की यही दिक्कत है, इनके होते तो मजे हैं लेकिन ये कर कुछ नहीं पाते। मतलब बंद कमरे में तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो यार, तुम लूडो खेल सकते हो, तुम कबड्डी भी खेल सकते हो, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से बिनोमो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तुम भी डाउनलोड कर लेना, बहुत जल्दी मिलेंगे फिर। बाय।